जिस सिंह देखता हूँ
मैं तेरे इल्म की मिसाल, तुम क्या बोल क्या मैं तेरे इल्म की मिसाल, अरे तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना, निकाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। सामिन इकरम जश्ने मलूदे काबा मौला अली सरकार, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। कलंदर लोहरी इन्हीं के बारे में लिखते हैं, अपने बातन में फरिश्तों का जहां पैदा कर, अपने बातन में फरिश्तों का जहां पैदा कर, कल्बे बातन में खुदा और हरम पैदा कर, दमे ईसा जगह पैसा से तुम मरूब न हो, तुम मोहम्मद ही है हैदर सा जिगर पैदा कर, और तू ही जलवार नबी तू ही तलवार जोहर, अब हर कदम पे ने कर बदला बदरोहत पैदा कर, और सरफरोशों से तरक्का है जमाने भर को, अपने किरदार में बुए रंगे अली पैदा कर। शाही कोहर शाही कोहर शाही कोहर शाही कोहर शाही कोहर तेरे संग रहेंगे। सलामुद्दीन साहब आपकी मोहब्बत को सलाम। ये वो नौजवान है जिनको हमने कोटरीशी में देखा अपने जवानी के यहां में, सरकार की मोहब्बत में आज भी बैठे हैं। तो सामिन इकराम बात करने का मकसद मेरा कुछ और है, वो क्या है कि मौला सरकार फरमाते हैं मौला अली सरकार कि इंसान तेरी बीमारी तेरे अंदर, तेरी शफा तेरे अंदर, और तू अपने जिस्म को मामूली जिस्म समझता है, हरगिज नहीं, तेरे अंदर बहुत बड़ा जहां छुपा हुआ है तुझे इसकी खबर नहीं। ये बात हम सब जानते हैं कि अल्लाह की इज्जत की कसम हम सबको भी खबर नहीं थी, हम सबको भी खबर नहीं थी, तो ये खबर किसने दिखाई? लाल बाग के जंगल से निकलकर शहर शहर घर घर मस्जिद मस्जिद मंदिर चर्च गुरुद्वारा कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां पर आप ने जाकर ये ना बताया हो कि हजरत इंसान देख तेरे पसे बातन कितना बड़ा जहां छुपा हुआ है, और डिटेल वाइज बता रहे हैं कि कल ब्रू सरी खफी अक्फा कौन बताता था। गौर तो करो किसने बताया, बड़ी मोहब्बत के साथ बताया, इवन के बैत तक नहीं दिया, क्यों कि यार एक अदब का गैप ना आ जाए, एक फर्क ना आ जाए, छोटे बड़े की तमीज ना हो जाए, और यार नहीं बल्कि दोस्त बनाया रफीक बनाया और जानी जान किया और करीब किया। रसूल अल्लाह सल्लम अलैक या हबीब अल्लाह, चलो मदीने चलते हैं, चलो मदीने चलते हैं, चलो मदीने
चलो मदीने चलते हैं उसी मदीने चलते हैं चलो मदीने चलते हैं चलो मदीने चलते हैं चलो मदीने चलते सजा अजब कशिश है बने नबी की सुजूद कैसा है कुछ न पूछो सुजूद कैसा है कुछ न पूछो निपट के सीने निकाह के देखा चलो मदीने चलते हैं चलो मदीने चलते हैं चलो चलो मदीने चलते हैं चलो मदीने चलते हैं उसी मदीने चलते हैं चलो मदीने चलते बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ बारगाहे सरवरे को नमकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया की इद्दत के फूल मुशावर किए गए तो शायर ने क्या खूब कहा कब नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक्स करता है नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक्स करता है लहू भी मेरी शरियानों के अंदर रक्स करता है वो तो सहराओं में भी पिला देते हैं पानी प्यासों को कि उनकी उंगलियों में भी समंदर रक्स करता है और मेरी बेचैन आंखों में वो जब तशरीफ लाते हैं तो सवल उनके दामन से लिपट कर रक्स करता है और जमीनों आसमां भी अपने काबू में नहीं रहते तड़प कर जब मोहम्मद का कलंदर रक्स करता है और लगी है भीड़ इसके गिर्द ये कैसी फरिश्तों की लगी है भीड़ इसके गिर्द ये कैसी फरिश्तों की ये किसका नाम लेकर मुजफ्फर रक्स करता है। अजीज साथियों आलमी रूहानी तहरीक अंजुमन सरफरोशान इस्लाम पाकिस्तान के ज़ेर-ए-एहतमाम होने वाली आज की ये रूहानी
और वजदानी महफिल जो के मौलाए शहनशाह अली शहनशाह मौलाए कायनात आपकी विलादत बा सआदत के सिलसिले में इनका पजीर है। तो आइए बारगाह सरवरे कौन मका हादिया जिनो इंसान के हजूर अग्निनाथ पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा नहायत ही अदब से मुल्तमिस हूँ जनाब मोहम्मद अब्दुल हमीद कादरी साहब से कि वो आए और बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर हदीये की दत के फूल इंशाअल्लाह फरमाएं कोई लब खामोश ना रहे मिल मिलकर दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक गूंज पैदा हो जाए मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह मैंने यूं सुना है कि तू सुनता है सदा से पहले हर मांगने वाले को तू देता है दुआ से पहले जो तेरे नाम पे करते हैं मरीजों का इलाज तो शफा देता है उनको दवा से पहले खाली के कौन मकान को है जो सबसे महबूब सारी दुनिया में ना होगा कोई दिलबर ऐसा मालिक कौन मका आ मगर खाक नहीं सल्तनत ऐसी हुआ करते हैं सरवर ऐसा जुबान पर जब मोहम्मद मुस्तफा का नाम आता है बड़ी तस्कीन होती है बड़ा आराम आता है मोहम्मद मुस्तफा का नाम भी क्या इसमें आजम है जहां कोई न काम आए वहां ये काम आता खुदा ने कितना बुलंद आपका मकाम किया वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन खुदा ने कितना बुलंद आपका मकाम किया कद जाकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुल मुबीन खुदा ने कितना बुलंद आपका मकाम किया वरफाना लक जिक्र खुदा ने कितना बुलंद आपका मकाम किया जबीन काबा झुकी अर्श ने सलाम किया हम उनकी शान में कैसे हो लब खुशा जिसने फराज अर्श पे अल्लाह से कलाम किया सल्लल्लाहु I'm sorry.
लोही बना गोला दिल का मा लही का शफा की वो ना हो तो दोनों
241 डिस्प्ले नीचे खड़ी है, वो थोड़ी आगे कर ले क्योंकि वो रुकावट डाल रही है साथियों को आने में। 241 नंबर जिसकी गाड़ी 241 नंबर है उनसे गुजारिश है कि वो नीचे जाके अपनी गाड़ी को थोड़ा आगे पार करें। आका कायनात की पाक बारगाह के अंदर मोहब्बत के फूल और अकीदत के गजरे पेश कर रहे थे हमारे मोहतरम काबिले एहतराम अब्दुल हमीद कादी साहब। हुजूर की बारगाह में